नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स द फाइनेस्ट बेकरी शॉप नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सर। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑल माइटी पब्लिक स्कूल इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा दरभंगा एंड ऑल माइटी पब्लिक स्कूल जूनियर छोटी काजीपुरा दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर रामबाग कैंपस दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ हुआ रवाना, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। हर हाल में जरूर करें मतदान, स्वीप आइकॉन की अगुवाई में मतदाता जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। युद्ध स्तर पर चल रही लोकसभा चुनाव की तैयारियां, मतदान सामग्री थैले को 25 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश। दरभंगा समाहरणालय पर मधुबनी चित्रकला की आकृतियां भी मतदाताओं को दे रही वोटिंग जरूर करने की प्रेरणा। दरभंगा लोकसभा सीट पर गुरुवार को एक नामांकन, राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के अब्दुल अजीज ने भरा पर्चा। झंझारपुर अनुमंडल सभागार में SDM अंशुल अग्रवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट संघ लोकसभा चुनाव को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। प्रमंडलीय मीडिया कप का फाइनल कल, मैच के बाद ही पुरस्कार वितरण समारोह का होगा आयोजन। और धर्म व अध्यात्म की खूब सुलझेंगी गुत्थियां, श्यामा मंदिर में 10 दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल रामबाग किला दरभंगा, CBSE करिकुलम क्लास प्लेट टू फिफ्थ को एजुकेशन एंड क्लास सिक्स टू टेंथ ओनली फॉर गर्ल्स विथ हॉस्टल फैसिलिटीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विथ स्मार्ट क्लासेस, वेल मेंटेन प्लेग्राउंड विथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। टुगेदर वी अचीव द कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल सदर थाना रोड दरभंगा। अ टीम ऑफ वेल क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड टीचर्स विल इक्विप लाइब्रेरी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो लैब्स, ऑल क्लासरूम्स विद ऑडियो विजुअल फैसिलिटी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ल्ड। मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनी सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ हुआ रवाना, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी त्यागराजन SM, जिले के मतदाता आइकॉन मणिकांत झा ने
हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी को बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए। आकर्षक ढंग से सजाया गया यह रथ जिले के सभी 18 प्रखंडों में घूम घूम कर लोगों को मतदान के इस महापर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस रथ में लगे लाउडस्पीकर से मतदाताओं को रिझाने के लिए जागरूकता गीतों को बजाया जा रहा है। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता विवेक रंजन, उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, निदेशक DRDA वसीम मोहम्मद, स्वीप की नोडल पदाधिकारी संध्या सुरभी, DPO अलका आम्रपाली, सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित थे। हर हाल में जरूर करें मतदान। स्वीप आइकॉन की अगुवाई में मतदाता जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा की उपस्थिति में मध्य विद्यालय बलौर मणिगाछी दरभंगा में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मणिगाछी मनोज कुमार ने की। मंच संचालन सुषमा झा माध्यमिक शिक्षिका द्वारा किया गया। मंच पर बिरासी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण पांडे, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई रविशंकर तिवारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण कुमार, रेणु चौधरी उपस्थित थे। सर्वप्रथम स्वीप आइकॉन के साथ सभी मंचासीन पदाधिकारियों का पाक चादर देकर अभिवादन किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला मतदाता आइकॉन तथा मैथिली के प्रख्यात गीतकार मणिकांत झा ने कहा कि पूरे देश में चुनाव को महात्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए हम मिथिलावासियों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने दरभंगा ज़िले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी मतदाताओं को मतदान के दिन अपने सभी कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मणिकांत झा ने मतदाता जागरूकता के स्वरचित गीतों को गाकर उपस्थित मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपने किसे मत दिया है उसकी जानकारी VVPAT मशीन पर 7 सेकंड्स के लिए दिखाई देती है। इस मशीन में आपको उनका क्रमांक, चुनाव चिन्ह तथा नाम दिखाई देगा, इससे कोई संदेह नहीं रहेगा। युद्ध स्तर पर चल रही लोकसभा चुनाव की तैयारियां, मतदान सामग्री थैले को 25 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश। मतदान सामग्री थैले को 25 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। गुरुवार को इस कोषांग में 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु जरूरी सभी मतदान सामग्री को थैले में रखकर मतदान केंद्र वार टैगिंग करने का कार्य किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान सामग्री थैले का विहित सूची से मिलान कराया। उन्होंने कहा कि मतदान थैले का निर्माण करने में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। उन्होंने इस कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मियों को मतदान सामग्री थैले का 25 अप्रैल तक निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूरा कर लेने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं मतदान सामग्री थैले का निर्माण के बाद विधानसभावार इसके वितरण की समुचित व्यवस्था समय पूर्व योजनाबद्ध तरीके से कर लेने हेतु निर्देश दिया गया। दरभंगा समाहरणालय पर मधुबनी चित्रकला की आकृतियां भी मतदाताओं को दे रही वोटिंग जरूर करने की प्रेरणा। मतदाताओं को हर तरह से जागरूक करने की जा रही है पुरजोर कोशिश। मतदान में यूज में आने वाले सभी उपकरणों का मिथिला पेंटिंग के द्वारा इसे दर्शाया जा रहा है और मधुबनी पेंटिंग की भिन्न भिन्न आकृतियां दरभंगा समाहरणालय की बाउंड्री वाल पर अंकित हैं, जो मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। वही संदेश देना हम लोग, एक ही मतदाता कोई छूटे नहीं।
जान सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसी के लिए बड़ा है उनको जानकारी दे रहे हैं, तो कैसे दीदी के लोग मतदान देना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, चित्र देख के जान सकते हैं। दरभंगा लोकसभा सीट पर गुरुवार को एक नामांकन, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अब्दुल अजीज ने भरा पर्चा। दरभंगा लोकसभा सीट से अब्दुल अजीज ने गुरुवार को भरा नामांकन का पर्चा। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र भरा। अब्दुल अजीज द्वारा घोषणा की गई कि उन्हें राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इससे पहले अब्दुल अजीज ने कब्रिस्तान जाकर अपने पिता की कब्र पर दुआ मांगी और वहां से आकर समर्थकों के साथ नामजदगी का पर्चा भरा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्राथमिकता यह है कि सोशल जस्टिस और विकास, जो ही मेरा मुद्दा रहेगा। यहाँ पद पर क्या किया, 1984 में मिला मैं पार्लियामेंट का मुद्दा तो मेरा यही रहा, सोशल जस्टिस और विकास, सामाजिक न्याय बहुत पहले से विचार रहा है मेरा। झंझारपुर अनुमंडल सभागार में एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट संघ लोकसभा चुनाव को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। झंझारपुर अनुमंडल सभागार में एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट संघ लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पहले एसडीएम ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट से उनके सेक्टर में पड़ने वाली बूथों की भौतिक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने रूट चार्ट का भी अवलोकन किया। एसडीएम ने कहा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले बूथों पर एक अधिकाधिक बार जाएं, एक रूट के बदले कई रूट का अध्ययन करें, बूथ के अगल बगल के लोगों का मोबाइल नंबर रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में संपर्क स्थापित किया जा सके, प्रतिदिन के मूवमेंट का दैनंदिनी दें ताकि उसका अध्ययन किया जा सके। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ रहने वाले पुलिस पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। एसडीएम ने कहा कि चुनाव को हर हाल में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बीडीओ के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। तो हम सब लोगों को इस बात की गंभीरता को समझना है और ये प्रयास करना है कि अगर कोई भी वैध खुद को उपलब्ध करा लेंगे और उसके बाद आप चिन्हित करके उन बूथों में एक बार वापस जाना सुनिश्चित करेंगे। हैं तो आवश्यकता है कि उन बूथ के पास विशेष तरह का एक अभियान चलाया जाए, वहां पे पूछा जाए कि क्या किसी प्रकार की क्या समस्या है। अगर वो लोग वो बूथ वल्नरेबल किए गए हैं, मतलब अवश्य ही कोई ना कोई समस्या है, तो आप लोग संबंधित पुलिस पदाधिकारी से भी समन्वय स्थापित कर ये देखेंगे कि उन बूथ के आसपास विशेषकर कितने लोगों पे 107 किया गया, और कोई ऐसा अगर पूरा समुदाय है, कोई जाति है जिसकी वजह से उसको वल्नरेबल या क्रिटिकल मार्क किया गया है, तो उसमें भी देखेंगे कि जो न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा।
दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहरिया सराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे सीआरपीएफ एएसएम टीसी सीसी एसएससी आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस। रिच लाइब्रेरी। वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब। वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू एसएमएस अलर्ट सिस्टम। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. Shailendra Jha, principal. Break ke baad ek apna aap sabko ka swagat. Badhenge aage nazar ek baar fir headlines par. मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ हुआ रवाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। हर हाल में जरूर करें मतदान। स्वीप आइकॉन की अगुवाई में मतदाता जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। युद्ध स्तर पर चल रही लोकसभा चुनाव की तैयारियां। मतदान सामग्री थैले को 25 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश। दरभंगा समाहरणालय पर मधुबनी चित्रकला की आकृतियां भी मतदाताओं को दे रही वोटिंग जरूर करने की प्रेरणा। दरभंगा लोकसभा सीट पर गुरुवार को एक नामांकन। राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के अब्दुल अजीज ने भरा पर्चा। झंझारपुर अनुमंडल सभागार में एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट संघ लोकसभा चुनाव को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। प्रमंडलीय मीडिया कप का फाइनल कल। मैच के बाद ही पुरस्कार वितरण समारोह का होगा आयोजन। और धर्म व अध्यात्म की खूब सुलझेंगी गुत्थियां। श्यामा मंदिर में 10 दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन। प्रमंडलीय मीडिया कप का फाइनल मैच कल शुक्रवार को। मैच के बाद ही तुरंत पुरस्कार वितरण समारोह का होगा आयोजन। प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की खिताबी भिड़ंत 5 अप्रैल शुक्रवार को रेस्ट ऑफ मीडिया और मधुबनी पत्रकार एकादश के बीच होगी। डॉक्टर नागेंद्र राय स्टेडियम में सुबह 7:30 बजे से मैच प्रारंभ होगा। मैच समाप्ति के बाद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 12वें मीडिया कप का समापन हो जाएगा। दोनों टीमें जहाँ शील्ड पर अपना कब्जा जमाने के लिए तैयार हैं, वहीं आयोजन समिति के पदाधिकारी और सदस्यगण समापन समारोह की तैयारियों में गुरुवार को पूरे दिन जुटे रहे। उल्लेखनीय है कि मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में पिछले 27 मार्च को प्रमंडल स्तरीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। दो पुलों में बटी 8 टीमों के बीच लीग मैच खेले गए। दो पुल से सर्वश्रेष्ठ 4 टीमों के बीच गत बुधवार को सेमीफाइनल खेला गया। सेमीफाइनल की विजेता टीम रेस्ट ऑफ मीडिया और मधुबनी के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बाबत क्लब के महासचिव अमित कुमार ने बताया कि लीग और सेमीफाइनल के साथ फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन आदि के साथ मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। समापन समारोह में बतौर अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ समस्तीपुर सुधा के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव तथा मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा उपस्थित रहेंगे। ना करेंगे दिनेश सभापति की इस गेंद को हल्के से खेला। रमापति ने खुद फील्ड किया लेकिन तब तक दौड़ के एक रन पूरा कर चुके थे। धर्म व अध्यात्म की खूब सुलझेंगी गुत्थियां। श्यामा मंदिर में 10 दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन। धर्म व अध्यात्म की खूब सुलझेंगी गुत्थियां। श्यामा मंदिर में 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित।
धर्मशास्त्र विभाग की अनोखी पहल, 6 को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे उद्घाटन, रोज होंगे अलग अलग आधार पुरुष। संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभाग ने अपने जन सरोकार के दायरे को व्यापक करते हुए धर्म व अध्यात्म से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए श्यामा मंदिर परिसर में 6 अप्रैल शनिवार की शाम से 15 अप्रैल तक यानी 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में भागीदारी के इच्छुक व्यक्ति 6 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। कार्यशाला रोज शाम 5 बजे से आयोजित होगी। कार्यक्रम के संयोजक श्यामा मंदिर न्यास समिति के सहसचिव एवं धर्मशास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी ने बताया कि सफल संयोजन के लिए डॉक्टर पुरेंद्र वारिक, डॉक्टर राजेश्वर पासवान एवं डॉक्टर चौधरी हेमचंद राय सह संयोजक बनाए गए हैं। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा एवं प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह के साथ साथ पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा एवं डॉक्टर उपेंद्र झा समेत प्रोफेसर शिवाकांत झा, सुरेश्वर झा, दयानाथ झा, दिलीप कुमार झा, विश्राम तिवारी, राम नारायण मिश्र समेत कई विद्वान नामित किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ाया लंबा डेग, अब कॉलेजों में भी चलेंगे पाठ्यक्रम। व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ाया लंबा डेग, अब कॉलेजों में भी चलेंगे पाठ्यक्रम, परामर्शदात्री समिति ने लिया बड़ा फैसला। संस्कृत विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बुधवार को लंबा डेग बढ़ा दिया है। अब मुख्यालय के साथ साथ पूरे सूबे में फैले तकरीबन दर्जन भर से अधिक संस्कृत कॉलेजों में 6 मासीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई धड़ल्ले से होगी। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इस नई व्यवस्था से बेशक लाभ पहुँचेगा। व्यावसायिक शिक्षा के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए प्रोविसी प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित आज की परामर्शदात्री समिति की बैठक में कई अन्य से फैसले लिए गए, जिसका दूरगामी प्रभाव बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के विद्यार्थियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन, हुए पुरस्कृत। इंटरमीडिएट परीक्षा में सिस्टम ऑफ बायोलॉजी दरभंगा के विद्यार्थियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अपनी काबिलियत का परिचय कराया है। बायोलॉजी विषय में 100 में 87 अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर संस्था के निदेशक सानुर रहमान ने बच्चों को पुरस्कृत किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। माखनलाल चतुर्वेदी जयंती समारोह का हुआ आयोजन। माखनलाल चतुर्वेदी जयंती का आयोजन राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद द्वारा कवि उपेंद्र निकेतन शिवाजी नगर दरभंगा में किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की और उन्हें एक महान साहित्यकार एवं प्रखर पत्रकार बताया। उन्होंने कहा कि आज के इस युग में उनके द्वारा लिखित रचनाएँ काफ़ी प्रासंगिक हैं। अलंकार चित्रा समिति के द्वारा आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती कार्यक्रम मनाई जा रही है। इसमें हमारे कीड़ालाल सहनी जी अध्यक्ष हैं और उपस्थित हमारे विद्वान जन हैं, जिसमें संचालनकर्ता रविंदर जी हैं, धनवाद ज्ञापन दिमाग जी हैं, और वेदनाथ बाबू हैं, खुदार जी हैं, महाकांत बाबू हैं, अखिलेश बाबू हैं। सभी लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की गई। और सदन में राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद के द्वारा आयोजित प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती है और इस अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। साथ में आज साहित्यिक कवि गोष्ठी का भी आयोजन है। दरभंगा शहर में इस तरह की वानगी होने पर हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि मिथिलांचल की धरती पर हम लोग अपने साहित्यिक महापुरुषों को यथोचित समय निकाल कर यदा कदा स्मरण करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती का आयोजन राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद के द्वारा कवि उपेंद्र निकेतन में मनाया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी
हिंदी साहित्य के एकमात्र कवि हैं जिनके नाम पर एक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो वो कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले उनको मिला था, और जब हिंदी की उपेक्षा होने लगी तो उन्होंने पद्म भूषण सम्मान सरकार को वापस लौटा दिया। उनकी अमर गीत है पुष्प की अभिलाषा, जिसकी आज मैं समझता हूँ बहुत अधिक प्रासंगिकता है। जब वो लिखते हैं पुष्प की अभिलाषा में कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीराना। ऐसे महापुरुष को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद के तत्वावधान में कवि उपेंद्र निकेतन में हम लोग राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में अग्रगण्य थे, और आप यहाँ भले संख्या कम देख रहे हैं लेकिन वास्तव में यह जो आश्रम है और यह जो साहित्यिक संस्था है, यह साहित्यिक चेतना को इस शहर में जगाते रहने में मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक भूमिका अदा करती है यह संस्था और यह आश्रम। तो बहुत स्मरणीय माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य संसार में उल्लेखनीय है, और राष्ट्रीय चेतना के स्वर माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा इनका एक सारगर्भित और आकाशवाणी से भी पुष्पित होता प्रसारण भी हुआ है आज माखनलाल चतुर्वेदी के संस्मरण में। तो ये राष्ट्रीय एकता कायम करने में विभिन्न परिस्थितियों को झेलते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। साहित्य जब तक जिंदा रहा है तब तक देश जिंदा रहा है। अगर साहित्य जिस दिन ख़त्म हो जाता है उस दिन उस देश का विनाश निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर सीमा का प्रहरी, अगर कोई सैनिक सीमा की प्रहरी कर रहा है तो समाज की प्रहरी करने वाला और उसको देखने वाला एकमात्र साहित्यकार है, और साहित्यकार की लेखनी सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं है, शासन और प्रशासन के ऊपर भी उसकी चाबुक चलती है। साहित्य एक साधना है, यह साधन नहीं है। हम आजीविका का साधन बना करके बच्चों को पढ़ा लें, यह साहित्य का अर्थ नहीं है। साहित्य तो वह है जो हर इंसान के दिल में राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत करे और समर्पण की भाव रहे, यह साहित्यकार का सबसे बड़ा धर्म होता है। होली के बाद बिखरी गणगौर की छटा। होली की उमंग के बाद बिखरती है गणगौर की छटा। गणगौर आस्था, प्रेम, उल्लास और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है। इस पर्व में कुमारी लड़कियां गणगौर से मनपसंद वर की कामना करती हैं, तो वहीं सुहागिनी अपने पति की दीर्घायु के लिए। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की दरभंगा शाखा द्वारा एक सप्ताह का गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है। समिति ने गणगौर उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। गणगौर की पूजा अर्चना की गई, फिर गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फिर शुरू हुआ गेम का सिलसिला। हौजी, अंतराक्षरी इत्यादि राजस्थानी घूमर डांस कर रही झूमती रही सभी महिलाएं। ये अब तक के समाचार, में डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ हुआ रवाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। हर हाल में जरूर करें मतदान, स्वीप आइकॉन की अगुवाई में मतदाता जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। युद्ध स्तर पर चल रही लोकसभा चुनाव की तैयारियां, मतदान सामग्री थैले को 25 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश। दरभंगा समाहरणालय पर मधुबनी चित्रकला की आकृतियां भी मतदाताओं को दे रही वोटिंग जरूर करने की प्रेरणा। दरभंगा लोकसभा सीट पर गुरुवार को एक नामांकन, राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के अब्दुल अजीज ने भरा पर्चा। झंझारपुर अनुमंडल सभागार में एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट संघ लोकसभा चुनाव को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। प्रमंडलीय मीडिया कप का फाइनल कल, मैच के बाद ही पुरस्कार वितरण समारोह का होगा आयोजन। और धर्म व अध्यात्म की खूब सुलझेंगी गुत्थियां, श्यामा मंदिर में 10 दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेट अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।